वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपके सामने मत्था और ये जो मत्थे का हिस्सा है वो कहलाता है कान। कान कई बार यहाँ से टूट जाता है चोट लगने की वजह से। दोस्तों कान एक तो दाढ़े को इस जगह से पकड़ के रखता है। दोस्तों ये दाढ़े का ऊपर नीचे होने वाला हिस्सा है दोस्तों, जो देख सकते हैं कि काफ़ी जाम चल रहा है। जाम नहीं तो हल्का सा फिक्स होना तो ये बहुत ज़रूरी दोस्तों। कान के इस तरह से हिलने से यहाँ से क्रैक होने से दूसरी जो प्रॉब्लम आती है यहाँ पे दाब नली लगती है दोस्तों। दाब नली में भी इस तरह से अगर कान टूट गया तो चाल आ जाएगी दोस्तों। कान के कई बार आपको चोट लगने के बाद पता नहीं चलता, हल्का सा यहाँ पे दरार सी आ जाती है जिसको कि बाल आना भी कहते हैं दोस्तों। दोस्तों अब इसका रिपेयर करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। आप देख सकते हैं कि यह फनर रखा हुआ है जिसको कि आरी भी बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए फनर की चौड़ाई जो कि ये हिस्सा है इस कान के बराबर है। कई बार आप यहाँ पर वेल्डिंग भरवा देते हैं इसमें खाँचे में, जो कि पीतल का होता है। गैस वेल्डिंग से पीतल का वेल्डिंग अच्छी तरह से लग जाता है दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर वो सक्सेस नहीं रहता। दोस्तों सबसे पहले तो इस दाढ़े को आप देख लें कि आरी फनर का ये टुकड़ा हो जो कि इसके बराबर हो, नाप लें। इस तरह से निशान ले ले दोस्तों, इतना काट ले दोस्तों। कम ज़्यादा हो तो बाद में ऊपर से आप घस सकते हैं, फाइल से घसना बहुत आसान होता है। ध्यान रखें कि वेल्डिंग करने के बाद में इस हिस्से को घस के उड़ा सकते हो आप, जो कि फाइल से घसना बहुत आसान है दोस्तों। इस तरह से सपोर्ट लगने से दोस्तों ये दाढ़ा एकदम नए दाढ़े की तरह काम करेगा। एकदम से वेल्डिंग यहाँ पर करा देने से एक तो नज़र आएगा दोस्तों, और दूसरा वो सक्सेस भी नहीं दोस्तों। थोड़ा सा वापस ताकत लगती है दाब नली के ऊपर नीचे होने से, या इसके जो कि दाढ़े का हिस्सा कहलाता है दोस्तों, इसके ऊपर नीचे होने से भी वापस क्रैक हो सकता है। ये वन पीस में होता है दोस्तों। ये पुर्जा जो कि मत्था कहलाता है वो बीड होता है दोस्तों। बीड एक लोहे की क्वालिटी का नाम है दोस्तों। दोस्तों ये वेल्डिंग पीतल इस पर कम ठहरता है, इस वजह से ये आप लोहे का सपोर्ट दें। और इस तरह से सपोर्ट देने के बाद में सबसे पहले तो आप देख लें कि इस तरफ से गैस वेल्डिंग जो करता है वो जानता है ज़्यादातर कि इस तरह से रख के इसको आपको नीचे से करना है वेल्डिंग, फिर पीछे से करना है, फिर दोनों साइडों से इधर और इधर से करना है, फिर इसको चारों तरफ से इसकी साइज के हिसाब से चारों तरफ से उड़ा लें वापस दोस्तों। टुकड़ा लगाएं या डायरेक्ट इस तरह से आप फनर या आरी लगा के आराम से वेल्डिंग कर सकते हैं। फिर बाद में वेल्डिंग होने के बाद में मजबूती से जुड़ जाएगा तो आप इसको तोड़ भी सकते हैं, वापस किसी फनर से काट भी सकते हैं। ये फनर इतना हार्ड नहीं होता है दोस्तों जितना कि दूसरी चीज़ें हार्ड होती है। थैंक यू दोस्तों। अभी हाल फिलहाल मैंने आपको तरीका बताया, इसके बाद में इसको लाइव बनाने का तरीका मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा या फिर अलग से वीडियो डाल दूंगा दोस्तों। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कराएं दोस्तों, जिससे कि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे और जो नए जानते हैं उनको भी नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाए दोस्तों। थैंक यू।